नमस्कार, मैं पूर्वा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई है मेरे साथ ऋचा जी। आपको अभी लग रहा होगा कि अब मैं ये क्या नए कंटेंट के साथ आई हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे डेकोरेटिव थिंग्स हैं और इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये सभी जो हैं हाथों से बनाए गए हैं। ठीक है, और किनके हाथों से? तो साक्षात इनके हाथों से। अभी एक्चुअली ये देखो, हैंडक्राफ्ट जो डेकोरेटिव थिंग्स है, यानी जिसे हम लोग हस्तशिल्प भी बोलते हैं, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आपको मैं कहूँ तो सरल औजार के थ्रू और हाथों के थ्रू हम लोग जो इंडिया में एक तरह से, ये तो दो तरह की चीज़ें हो गई जो ऋचा जी ने बनाया। एक तो देखो, एक आत्मनिर्भर वाली चीज़ें और दूसरी मेक इन इंडिया वाली। तो मतलब आपको कैसे इन सभी बनाने के लिए इतना समय मिल जाता है? क्योंकि देखो, ऋचा जी मैरिड हैं, साथ में इनकी एक प्यारी सी बेबी भी है, इसके बावजूद ये घर में रहकर इतनी सारी चीज़ें बनाती हैं, कैसे इतना समय मिलता है? देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ हो तो उसके लिए समय निकल ही जाता है। दिन भर मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, सुबह से रात कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो उसी के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ अपने लिए कुछ कर। इसलिए या बेबी सो जाने के बाद रात में या फिर दोपहर में थोड़ा अगर आधा घंटा भी टाइम मिले तो मैं उसमें भी कुछ कुछ बनाते रहती हूँ। एक ही प्रोडक्ट 10 दिन तक बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा भी, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ डेली कुछ बनाती रहती हूँ। जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो काफ़ी सुंदर आपने बनाया। आपका मतलब इंटरेस्ट कैसे आया कि ये सारी चीज़ें बनानी है? इंटरेस्ट मतलब क्या, मेरे को मतलब पहले से ही मतलब था कि मैं अपने लिए कुछ करूं, या कहीं भी मैं जाती थी तो देखती थी तो लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा कुछ करूं। और ऐसे होम डेकोर का मेरे को बहुत शौक़ भी था पहले भी, शादी के बाद और अपना घर हो गया तो फिर और शौक़ वो ज़्यादा ये हो गया। तो ऐसा लगा क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों से ही घर को सजाऊँ, क्योंकि अगर आपका घर अपने हाथों से आप सजाओ ना तो उसका अच्छा वो और वो घर अपना हेवन, यू कैन कॉल इट लाइक ए हेवन। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहता है कि अपने हाथों से ही बना के अपने घर को सजाऊं। तो देखिए, अभी हमने ये तो देखा है कि ऋचा जी ने क्या क्या बनाया है। अभी मैं आपको पूरे घर का टूर करवाने वाली हूँ कि कैसे इन्होंने अपने पूरे घर को सजा कर रखा है अपने ही हाथों से, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स को बना कर। हम लोग जो है पूरे घर का टूर करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि उन्होंने अपने सारे ये डेकोरेटिव थिंग से पूरे घर को कैसे सजा कर रखा है। तो सबसे पहले तो देखिए, एक एग्जाम्पल यहीं पर है, यहाँ पर कुछ हैंगिंग सा कुछ है, आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कि क्या है, आपने इसे कैसे बनाया है। ये तो मैंने जो नेताघाट बोल एक प्लेस है वो रांची के पास में ही है, सभी जानते हैं, तो वहीं से मैं इसे कलेक्ट करके लाई थी। तो इसी से मैंने कुछ कुछ अपने क्रिएटिविटी से बोल सकते हैं तो मैंने इसको बनाया। तो इसी से आप आगे बढ़ते हैं, आइए अब आपको आगे हम लोग दिखाते हैं इधर क्या है। तो नेक्स्ट आप हमें क्या दिखा रही है ऋचा जी? ये कुछ कुछ वाले हैं सर जो अपने कुछ आइडिया लगा के मैंने ये सब बनाए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से इन्हें सजाया गया है, ये मोर का पंख है। तो ये लाइफ के बारे में कुछ कोटेशन है कि ये क्या है? ये जस्ट ऐसे ही फ्लावर बुके टाइप का है, बस उसी से मैंने ये देखिए ये पेंटिंग कितनी सुंदर है। ऐसे तो सुंदर तो सभी है, पधारो मारो देश। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अब आपको दिखाते हैं इधर देखिए, ये इनका किचन है, किचन में इन्होंने किस तरह सजा कर रखा है। किचन का ये गेट है, ये लग रहा है आपने कुछ पुरानी चीजों को डेकोरेट किया है। ये जैसे मेरे यूज वेस्टेज में थी तो उसी को लेके मैंने कुछ बनाया। क्या पहले ये क्या था? ये स्पून लग रहा है। हाँ, स्पून था, उसी को मैंने कलर उलर करके कुछ थोड़ा इनोवेटिव टाइप कुछ बनाया। देखिए ये तो मेरे को शायद दाल निकालने वाला लग रहा है और ये कलछुल लग रहा है, इसे इन्होंने किचन के गेट पर डेकोरेट करके यहाँ पर लगाया हुआ है, कुक विथ लव करके, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इसके साथ यहाँ पर एक और हैंगिंग है, ये देखिए यहाँ पर रसोई से, मतलब अपने ही हाथों से घर में खाली टाइम में बैठ कर अपने क्रिएटिविटी को किस तरह से यूज करना है, काफी बेहतर उदाहरण है इसका। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और बताइएगा यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर है। ये तो मैंने एक कैनवस था मेरे पास, तो उसी को मैंने, मेरे को ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा ही पसंद है इसलिए मैं गार्डन डेकोरेशन का भी शौक रखती हूँ, तो उसी लिए मैंने ये कैनवस को थोड़ा सा ग्रीनरी का थोड़ा टचअप दे दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग है, ये भी आपने बनाया है? हाँ, ये भी मैंने बनाया है।
कितने दिन लगा इसे बनाने में? इसे बनाने में ऐसे तो हार्डली 3-4 दिन लगता है, लेकिन मैंने कहा ना मैंने टाइम ज़्यादा मिलता नहीं, तो जितना भी टाइम मिलता वो 10-15 दिन मेरे को पीछे लग गया था। अगर मैं इसको करने में तो अगर टाइम लेके बैठू तो 3-4 दिन में कम्प्लीट हो जाता है। गाइस इसके पीछे भी एक स्टोरी है, आप वो बताइए पहले। ये एक्चुअली मेरे जैसे क्वार्टर है, बेसिकली माय हस्बैंड इज इन अ गवर्नमेंट जॉब, सो मेरे को यहाँ क्वार्टर मिला था, तो यहाँ पे एक विंडो बना हुआ था, तो इसको मैंने कैसे कवर करूँ? पहले कर्टन लगाया तो कर्टन से वो उड़ जाता था, हवा आता था तो नॉर्मल जो, तो इसीलिए मैंने आइडिया लगा इसको कैसे कवर अप करूँ। तो फिर वो हस्बैंड एक दिन मेरे को पेंटिंग का भी शौक है, तो मेरे हस्बैंड कार्डबोर्ड वो ला के दिए, फिर उसी को मैं डेकोर करके यहाँ पे कवर अप कर दी, तो पता भी नहीं चलता है यहाँ विंडो है और एक अच्छा लुक मिल गया रूम को। यानी कि अगर आप थोड़े क्रिएटिव हैं तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में कुछ गंदगी वगैरह हो, कुछ लैकिंग वगैरह हो वैसा, तो आप उसको कवर अप कर सकती हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ये दिख रहा है। ओके, अब लोग चलो बाहर, हम लोग गार्डन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्वियसली गार्डन में भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इन्होंने किया होगा, पूरे घर में तो ऐसे हैं ही। इस पर बताइएगा, ये मतलब मेरे को पेंटिंग का, जैसे एज यूजुअल बहुत बार बोल चुकी हूँ, तो मेरे को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा ही शौक है, तो कहीं भी मेरे को ब्लैंक स्पेस मिले तो मुझे लगता है उसको रंग भर दूँ, तो इसीलिए मुझे ये स्पेस खाली मिला था तो मैंने इस पे बनवा दिया। तो गाइज देखो, ऑब्वियसली बात है, आपने बड़े बड़े पेंटर्स देखे होंगे, बड़े बड़े पेंटिंग्स देखे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन इस अभी हमारे इस वीडियो में और रिचा जी की खास बात यह है कि एक फैमिली को संभालते हुए, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए, शादी के बाद भी अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना, साथ ही जैसा कि इन्होंने बताया कि सबको सुलाकर रात में अपना ये डेकोरेटिव जो थिंग्स है उसे बनाती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही दिखाया कि थिंग्स जो हैं वो काफ़ी सुंदर हैं, आप लोग चाहो तो इन्हें ऑर्डर दे सकते हो, आप लोग इनसे खरीद सकते हो। किस तरह से आप लोग इनसे कांटेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका सारा इन्फॉर्मेशन, कांटेक्ट नंबर, इनके पेज का नाम, इंस्टा आईडी, सब चीज़ दिया है, आप इन्हें फ़ोन कर सकते हो, इनसे कांटेक्ट करके आप अपने अपने मन के थीम पर भी आप लोग इन्हें ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, साथ ही साथ रिचा जी की क्रिएटिविटी भी पसंद आई हो। थैंक यू।